नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। मंगलवार की रात को भट्टा स्टैंड थोई पर दो लोग हुए दुर्घटना में घायल। जानकारी के लिए बता दें कि भट्टा स्टैंड के ऊपर मंगलवार की रात को जितेंद्र नाडा की ढाणी उम्र 25 वर्ष और तारा चंद रामपुरा निवासी जिसकी उम्र थी 55 वर्ष दुर्घटना में घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस से सीएससी थोई पहुंचाया गया। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि और कांग्रेस सेवा दल अजीतगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार थोई ने अपनी सक्रियता भूमिका निभाते हुए दोनों घायलों को बिना देरी किए हुए सीएससी थोई लेकर गए, जहां पर पहले से ही डॉक्टर हरीश शंकर को सूचना दे दी गई थी। डॉक्टर हरीश शंकर अपनी पूरी टीम के साथ पहले से ही हॉस्पिटल में एक्टिव थे, जहाँ घायलों को पहुंचते ही उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इस मौके पर अनिल कुमार थोई अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आए। उनके साथ राकेश कुमार सैनी भी मौजूद रहे। जानकारी के लिए बता दें कि जितेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और तारा चंद को जयपुर के लिए रेफर किया गया। घटना मंगलवार रात की है। भट्टा स्टैंड थोई के ऊपर यह घटना हुई, जिसमें दोनों घायल हो गए थे। घायलों को ब्लॉक अध्यक्ष और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल कुमार थोई सीएससी थोई लेकर गए, जहां पर उपचार उनका किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद एक को छुट्टी दे दी गई, दूसरे को जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार रात लगभग 10 बजे भट्टा स्टैंड के ऊपर यह हादसा हुआ। बाइक से हादसा हुआ है, जिसमें ताराचंद को जयपुर रेफर कर दिया गया है।